साथियों, सपा, बसपा और कांग्रेस, इनकी ये महामिलावट कैसे काम करती है, इसका उदाहरण राजस्थान है। मैं हैरान हूं, आए दिन बातें करने वाले सारे चुप बैठ गए हैं। राजस्थान में क्या हुआ? वहां एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। वहां कांग्रेस की सरकार है, नामदार की सरकार है और राजस्थान की सरकार बहुमत वाली सरकार नहीं है, बीएसपी के समर्थन से चल रही है। राजस्थान की सरकार बीएसपी के कारण चल रही है। कांग्रेस और बीएसपी ने, ये दोनों के द्वारा जो राजस्थान में सरकार चल रही है, दलित बेटी पे जो बलात्कार हुआ है उसको दबाने में वो जुटी हुई है। न्याय 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 के नाम से चिखने वाली कांग्रेस के नामदार के मुंह पर भी ये बलात्कारियों ने ताला लगा दिया है। साथियों, आज यूपी की बेटियां बहन जी से पूछ रही है और बहन जी आपको जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान में बहन जी आपके समर्थन से सरकार चल रही है और वहां दलित बेटी पे बलात्कार हुआ है, आपने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? बयानबाजी करके घड़ियाली आंसू बहा रही हो? अगर आप और बहन जी, आपके साथ गेस्ट हाउस में हुआ था, पूरे देश की बहनों को पीड़ा हुई थी। क्या कारण है बहन जी आपको पीड़ा नहीं हो रही है? अगर आप बेटियों की रक्षा के प्रति इतनी ही ईमानदार है तो आज ही इसी मिनट राजस्थान सरकार में से बसपा का समर्थन वापस ले लीजिए। गवर्नर को चिट्ठी लिख करके आइए, बयानबाजी नहीं।